कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर इंदौर प्रेस क्लब पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स, एनसीआरबी और प्राइवेट सर्वे कंपनियों के आधार पर मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि मामा सरकार में 2004 से 2016 तक रेप, अपहरण, हत्या के मामले हजारों की संख्या में सामने आए हैं। ये कांग्रेस नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट और एनसीआरबी रिपोर्ट के माध्यम से सामने रखे गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार को जकड़ लतारा और कहा कि एमपी में भाजपा अगली पीढ़ी को खत्म करने में लगी हुई है। प्रदेश में कुपोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। एमपी में बाल श्रमिकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन उनके निवारण के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू ऑफ यूनिटी पर कहा, जितना पैसा स्टेचू बनाने में लगा उतने ही मजदूर किसानों का भला हो सकता था। सबरीमला को कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में हुई और दिग्विजय सिंह की नोकझोंक पर बोली कि यह जताई भाई और रंग बिल्ला की लड़ाई है। दिल्ली में हुई घटना सब सुनी सुनाई बातें हैं। हम सब एक हैं और एक साथ हैं। मध्य प्रदेश का फाउंडर्स डे है। उस सिलसिले में मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश पिछले 15 इंदौर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने शराब के नशे में एक घर पर पथराव कर घर में तोड़फोड़ कर दी। पथराव होने से घर में मौजूद महिला और बच्ची घायल हो गई। पुलिस अब हमलावर बदमाशों की तलाश कर रही है। इंदौर के तुक्कोगंज थाना क्षेत्र की बेकरी गली में धर्मेंद्र ठाकुर के घर में गुंडों ने शराब के नशे में पथराव कर दिया, जिसमें महिला और बेटी को चोटें आई है। दादा, किन लोगों ने हमला करा, क्या घटना हुई है? हमारा घर के सामने रहते हैं तीन जने दारू पी के गाली बक रहे थे मोहल्ले वालों को। हमने उनको समझाया तो हाथापाई करने लग गए वो और गाली वाली बकने लग गए, तो उस टाइम पे तो चले गए। फिर कल रात को 11 बजे उन्होंने अचानक हमला कर दिया घर पे। कितने लोग थे? 15-20 जने थे। कायद हमला करा, ये ईंट और पत्थर और तलवार से हमला कर दिया हमारे घर पे। और अंदर लेट गया थी, अंदर घुस गया घर के अंदर। कितने लोग घायल हुए? ये दो जने घायल हुए। अच्छा, मैं एक लेडीज से, एक मेरे बालक। अच्छा, घायल वालों क्या नाम है? पुष्पा सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये बस घर पे ही रहते हैं। कितने बजे घटना है ये? रात को 11-12 बजे। और ये लोग कौन है जिन्हें हमला करा है? ये सब गुंडे बदमाश है। क्या नाम है इनके? एक का नाम है राहुल टिटवाड़े, एक का नाम है अक्षय सिसोदिया, अक्षय भंडारी, और एक का नाम है वो बराबर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मजीत ठाकुर। क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा 2 का जूपी झोपड़ी पटकोट का मंडल अध्यक्ष हूँ। कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था पूरा? 11:30 बजे हुआ है। हम लोग जा रहे थे सोने, आके अचानक मारने लगे। कितने लोग थे, कौन थे? अब हमने नाम तो मैंने नहीं जानती हूँ, बाकी 10-15 जन ही थे। अच्छा, क्या था उनके हाथों में? हाथों में मैंने नहीं देखा। फिर एकदम से क्या हुआ घर में आपको, क्या हुआ एकदम? मैं सोने जा रहे तो अचानक पत्थर फेंकने लगे। अच्छा, बड़े बड़े कहाँ सब फेंके, ऊपर भी ऐसा गया है। आपको भी लगी है? हाँ। और किसको लगी घर में? अच्छा, तो आप आगे सो रहे थे? हाँ, मैं सो नहीं रही थी, मैं गई देखती हूँ। अच्छा, तो क्या वजह बनी है आपके घर पे पथराव करना, ये कौन लोग होते थे? दिन उनके कर रहे थे। कौन लोग थे, क्या उनके पुराने आगे है नहीं, ये मकान। आपका नाम बताओ। मेरा पुष्पा सिंह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की सूची जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बड़ा झटका देते हुए उज्जैन से सांसद रहे दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। साथ ही उनके पुत्र और युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अजीत बोरासी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। बोरासी ने इंदौर भाजपा कार्यालय पर नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के सामने मिस्ड कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल हुए अजीत बोरासी ने कहा, जिस तरह से शिवराज और मोदी काम कर रहे हैं वह सराहनीय है और यह काम मुझे भी पहले ही कर लेना था। पिताजी के साथ कांग्रेस में शामिल हुआ था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजा महाराजाओं की पार्टी है। हमारे जैसे दलित आदिवासी कांग्रेस लोगों की जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने यह एहसास दिला दिया कि वह हमारी जगह सिर्फ दरी बिछाने की है। उन्होंने कांग्रेस का जमकर घेराव किया और अपनी पीड़ा जाहिर की। आपको बता दें कि इंदौर में अजीत बोरासी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस के अन्य नेताओं के भाजपा के शीर्ष स्तर के नेताओं से संपर्क करने की कवायद तेज हो चली है।
इनके पिताजी भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं और आप थे, अभी थे, आप थे, लेकिन अभी 4 बजे उन्होंने भी भाई प्रेमचंद कुकुर पूर्व सांसद और विभिन्न पदों पर रहे, वे अभी 4 बजे उन्होंने भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वे दोनों का सभी साथियों के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।